प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 6 प्रेमचंद के फटे जूते। अब तक की ऑनलाइन क्लास में हमने देखा और हमने पढ़ा कि लेखक के सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी की एक तस्वीर है। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए और उनके सिर पर गांधी टोपी है, गालों की हड्डियाँ उभरी हुई है, पैरों में कैनवास के जूते हैं जो फटे होने के कारण बेतरतीब बंधे हैं। बाएं पैर के जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल गई है। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक को इसलिए चिंतित हो जाता है कि अगर फोटो खिंचाते समय कपड़ों का यह हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। किंतु फिर सोचा, प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाकें पहनने वाले व्यक्ति नहीं हैं। लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद हमारे साहित्य पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी ख्याल नहीं है। उनके चेहरे पर बड़ी लापरवाही और विश्वास है। लेखक सोचता है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए कपड़े जूते ही क्यों अभी भी तक दूसरों से मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों किया। आजकल तो लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो सुगंध आए। लेखक प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ा दुखी होता है। लेखक जूता भी ऊपर अच्छा दिखता है किंतु तला घिसा हुआ है। वह कहता है कि मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ, इसलिए अंगुली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खींचा सकता। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खींचूँगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरी नाम। इस तरह से हमने देखा, लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी हंसी का रहस्य आखिर क्या है? क्या कोई दुर्घटना हो गई, या किसी होरी का गोदौन हो गया, या हल्कू का नमक किसान के खेत को नील गाय चर गई, या घीसू का बेटा माधव अपनी पत्नी के कफन के चंदे की शराब पी गया, या फिर वह किसी महाजन के तकादे से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काट रहा है? लेखक को महसूस होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी ठोस वस्तु को ठोकर मार रहे हैं। इस तरह से आज के अध्याय में हमने इतना पढ़ा। अब आगे का हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।